तो आज बात करते हैं सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज की, कि सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने हम सभी संत महात्मा भाई बहनों को किस तरह से नहीं समझाया, हर तरह से समझाया, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें बार बार हमारे सामने बाबा जी ने रखे, और वो क्यों रखे, और दास को लगता कि जहाँ तक कि इस समय जो हमारे समय के रहबर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हमारे सामने ये सद्गुरु हैं, अगर बाबा हरदेव जी के रूप में होते तो शायद दास को लगता है कि आज भी वही शब्द हमें रिपीट कर रहे होते। माता जी के भी मुखारबिंद से शायद सुना होगा, अभी दास ने तो अभी तक एक बार भी नहीं सुना, वैसे माता जी के जो बहुत ही संगत हर कोई करता रहता है तो शायद सुनने को मिला। तो क्यों कहा, कहते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, साल में एक बार रामलीला होती है, रामनवमी मनाई जाती है, दशहरा का आयोजन किया जाता है, मगर श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, हमें किस तरह मर्यादा में रहना चाहिए। बता दो कौन रहता है और कौन उनके आदर्शों पर चलता है, बता दो। हम बहुत से लोग भोले शंकर की आराधना पूजा करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, तो ये बता दो कि उनके आदर्शों पे कौन चलता। भोलेनाथ ने कहते सुनने में आया कि पढ़ा भी था शायद कुछ कुछ दान है कि षष्टि को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए उन्होंने विष का प्याला पिया था, जहर पिया था कि इंसान मरे ना, मगर आज उनको भांग पिलाई जा रही है। आज अगर सामने कोई इंसान मरता हुआ है तो आजकल लोग वीडियो शूट करते हैं, किसी के साथ अभद्रता कोई अश्लीलता कोई ऐसा व्यवहार हो रहा तो सबसे पहले वीडियो शूट करते हैं, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। बता दो तो कौन से परमात्मा की बात करें, कौन से भगवान की बात करें, इतने सारे स्वरूप हैं, राम के हैं, कृष्ण के हैं, कृष्ण की बात करो, कृष्ण ने अपने गीता उपदेश में क्या नहीं कहा, सब कुछ गीता में, जीवन की सच्चाई गीता में ही है सारी, और जो पढ़ने वाले हैं पढ़ पाए और जो नहीं पढ़ पाए उस गीता सार में सब कुछ बता दिया, कौन मानता है। तो बात करते हैं आज अपने सद्गुरु बाबा हरदेव जी महाराज जी की, कुछ शब्दों के जो उच्चारण हैं, अक्सर मैंने ज़्यादा तो संगत नहीं कि जितनी भी करी हैं ये शब्द मैंने बार बार उनके मुखारबिंद से सुना। जब सुना तो तब पता नहीं चला ये तो कहने, यहाँ पर चलो वचन है, वचनों में वचन आता है तो बाबा जी सबको संबोधित कर रहे, मगर बार बार ये वचन कहना, कहते कि जब उस पर अमल करोगे तो समझ आएगी, अब जब समझ आई तो सोचा आप सबके सामने शेयर करें। तो ये शब्द बार बार ऐसे हमारे सामने बाबा जी ने क्यों कहे, और बार बार क्यों कहते थे, किससे कहते थे, किस लिए कहते थे, तो आप जी के सामने बताऊंगा कि बाबा जी वो शब्द क्यों कहते थे, किस लिए कहते थे। और दास का मानना, मेरा अपना मानना है कि अगर आज बाबा जी हमारे बीच होते, अब तो सुदीक्षा माता जी हमारे बीच हैं, तो आज भी शायद वो शब्द बार बार हमारे सामने कहना पड़ता बाबा जी को, क्यों क्यों कहना पड़ता, किस लिए कहना पड़ता और किसको कहना पड़ता, क्यों बार बार एक ही शब्द को कहना कोई आम बात नहीं है, कुछ तो बाबा ने देखा होगा, क्योंकि वो शरीर में एक जगह हैं और आज भी हमारे साथ झंकार रूप में हमारे साथ और हर घट में बैठे हुए और हर घट की भापते हैं, क्या पहचान है हमारी, क्या नज़र है हमारी, क्या सोच है हमारी, क्या रवैया, क्या संस्कार, सब जानते हैं। तो बार बार शब्द कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, सभी बात करने वाला हूं, तो जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे और सब्सक्राइब करे, जो पहली बार देख रहा है तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइब सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कुछ बाबा जी के शब्द हैं वो पहले बताऊंगा, कि कहते कि सिमरन की शुद्ध यूं करो, ज्यों कागर गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। तो ये भी बाबा जी शब्द कहते थे अक्सर, क्यों कहते थे, किस लिए कहते थे, ये सभी को पता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, इक लख पूत सबा लख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। ये क्यों कहते थे, कबीर सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोए,
धन बनता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। पायोरी मने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनो मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ये कुछ शब्द हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो और उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो। 30 बरस की जब मति उपजी, लोभ बड़े नित्य नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी कभौ ना तृप्त भयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो जिस शब्द की बात करने वाला हूं मैं, वो अभी तक तो नहीं बताया है, सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से परिचय हो जाए। बहुत समय के बाद आज बाबा जी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो अक्सर बाबा जी के जब भी हमने संगत की है, जब भी मौका मिला, बहुत अच्छा रहा वो समय, क्योंकि जिस तरह से बाबा एकदम शांत स्वभाव में, और ऐसे जब भी देखता था हुजूर को बैठे हुए गद्दी पे, ऐसे लगता था कि बाबा जी शरीर से बैठे हैं और हमारी तरफ ध्यान है, बस बोले जाते हैं, समझाए जाते हैं, ध्यान पता नहीं बाबा जी का हमारी ही तरफ हमेशा रहता है। हम संत महात्माओं की तरफ ही रहा है, हम बच्चों की तरफ, क्योंकि बाबा जी ने साध संगत को अपने सर का ताज जो कहा है, और आज भी ताज ही है। और कहते ताज, अगर कहते कि हमारे सर का ताज में अगर कुछ धब्बा लग जाए तो कहते ना पूरा हमारा सर, कहते ना बस सूरत नजर आता है। तो कहते सर का ताज जो बाबा जी ने कहा है, और बाबा जी का जो भी सपना रहा है, हम संत महात्माओं को ही पूरा करना है। तो बाबा जी जो शब्द कहते थे बार बार, क्योंकि अक्सर देखा है आप जी संत महात्मा बहुत पहुँचे हुए, संत महात्मा हो, आज तो कुछ भी नहीं है। तो जब भी मौका मिला है, अक्सर मैंने देखा ये बात जरूर बाबा जी ने कही। एक शब्द और दोहराता कि एक किसी के घर में आग लग जाती है, तो वो उस समय कुआं खोद रहा होता, पड़ोसी पूछता भैया कुआं क्यों खोद रहे हो, तो कहते कि घर में आग लग गई है, कुआं खोद रहा हूँ। अब तुम कुआं खोदना शुरू करोगे, जब तक तुम्हारा कुआं खुद के तैयार होगा तब तक जल के खाक हो जाएगा। तो ये शब्द क्यों कहते थे कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी अंत समय तो आने से पहले बहुत ही अवस्थाएं आती है, जैसे कि वृद्धावस्था। लोग अक्सर कहते हैं अरे यार अभी तो खाने पीने के मौज है, जवानी के दिन है, खाओ पियो ऐश करो, घूमो फिरो, इधर जाओ उधर जाओ, अब बुढ़ापा होगा भक्ति कर लेंगे। अरे बुढ़ापा में रोटी नहीं खाई जाती है, चला फिरा नहीं जाता, आंखों से सही दिखाई नहीं दिया जाता, अच्छी तरह सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, बैठ नहीं पाते, तो भक्ति क्या खाक करेंगे हम। तो अक्सर लोगों का, बहुत लोगों का मानना है, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जितने निरंकारी संत महात्मा हैं, जो भी रहते हैं जिनके अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे हैं, उनको भी ले आए, उनकी भी आदत डाले सत्संग में, क्योंकि ये सत्संग ही है, सत्संग से ही सब कुछ हो, तो बिन सत्संग विवेक न हो। हम क्या है हमें पता, तो सत्संग में चलता, नहीं तो हम तो यही कहते रहेंगे अबे तू मुझे नहीं जानता, अबे तू मुझे नहीं जानता, मैं ये हूँ फलाना, मैं ढिमका। एक हम रास्ते में आ रहे थे, हमारी एक बहन जी से बातचीत हो गई, बहस छिड़ गई, तो वो रास्ते में खड़ी थी, मकान उनका बन रहा था, मकान बन रहा था, तो बैग छिड़ गई, 2-4 लोगों ने ऐसे छोड़ो या जाओ। तो मैं अपने बाइक पे था, हॉर्न दे रहा था, टी 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 कर रहा था, बहन जी बीच में खड़ी, रास्ता इधर भी जरा सा कि इधर से निकलूंगा तो धक्का लग सकता और टक्कर लग सकती, इधर से निकलूंगा तो उससे लग सकती टक्कर। तो मैंने बहन जी साइड हट जाओ, आपको हॉर्न दे रहा हूँ। बोला तो हॉर्न दे रहे हो, मुझे भी सुनाई दे रहा। मैंने बहन जी सुनाई दे रहा है तो आप या तो दाएं हट हो जाओ या तो बाएं हो जाओ। बोला मेरा मकान बन रहा। मैंने मकान आपका, अच्छी बात बन रहा है, वो आपका मकान है। बोला मेरा मकान है, मैं किसका, कहाँ आपका मकान है दिखाओ। वो मेरा मकान है, नहीं आपका तो नहीं। मैंने बोला तो ईंट का, रोड़ी का, सीमेंट का और बदरपुर का है मकान, है तो बना हुआ है, और बाकी लोहा लंगर लगा, आपका कहाँ है। बोला मेरा मकान, मेरी जमीन है, मैं कहाँ जमीन आपकी, आपका तो कहीं नाम दिख नहीं रहा जमीन में। मैंने आपका जमीन में नाम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे ना तो कहीं दीवार में दिखाई दे रहा, ना किसी ईंट में दिखाई दे रहा, ये जो आपने गिर लगवाया इसमें भी आपका नाम नहीं है, कहीं तो आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, आपका क्या। बोला मेरी जमीन मैंने खरीदी, पैसे मैंने खरीद, मैं पैसे पैसे कौन से पैसे, दिखा दो कौन से पैसे पे आपका नाम लिखा हुआ, आपके पैसे दिखा दो कौन से पैसे आपके हैं।
बोला तुम ज्यादा बोल रहे हो, कि फालतू बोल रहे हो, फालतू क्या बहन जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मकान सबका ये देखो सारे मकान ही तो बने, आपका बन रहा है, ये लोग पहले से बने मकान में रह रहे हैं। बोला भाई एक भाई आया कह रहा भाई सब जाओ आप, मैं तो जा रहा हूँ, मैं किस बात का कि मकान बना, मैं यहीं बना रह जाएगा तुम्हारा मकान, 10 मंजिल बना दो मकान तो यहीं रहेगा, आप अपना अपना करते रहे फालतू। अरे मैंने जरा सी बात बोली बहन जी हट जाओ, हॉर्न दे रहा सुनाई नहीं, इतनी तेज हॉर्न आजू बाजू आधा किलोमीटर आगे तक सुनाई दे रहा, वो आपको यहीं खड़े सुनाई नहीं दे रहा। एक भाई आया बोला यार कोई बात नहीं भाई सब जाओ सर, तो बहुत ही ऐसे क्रूरी औरत, मेरा मकान बन रहा है। अरे मकान तुम्हारा बन रहा तो बनने दो ना, आने जाने वाले अब क्या दिखा रहे रोक के रोप झाड़ना कि मेरा मकान बन रहा है, वो तो बन रहा बना ही रहेगा, मगर तुम जैसे बने हो वैसे बिगड़ते चले जाओगे ना, अवस्थाएं बदलती चली जाएंगी, बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था फिर आगे मरणावस्था। तो बात करते हैं फिर वहीं पे कि बाबा जी ने हमें क्या नहीं दिया, हमें वो प्यार दिया शायद हम इसके कहते ना हकदार नहीं थे। आज मैं अपने आप को देखता हूँ कि अक्सर जाता हूँ जब बड़े बड़े हमसे डबल से तिबल उम्र के थे, हमारी तो 40 के आसपास की हो सकती उम्र, 60-65-70 साल वाले जो हमारे निरंकारी संत महात्मा हैं अव महापुरुषो और चरण में स्पर्श करते हैं, तो लगता कि वास्तव में कुछ तो कर्मों में अच्छाई होगी जो बाबा जी ने हमें तराशा है, कीचड़ से निकाल के हमें गंगा जल में धो के एकदम पवित्र हीरा हमें बनाया है, कि इतना अच्छा हमें मान सम्मान मिलता है। जरा सोच के देखो, गौर करके देखो, हम कहीं भी जाते हैं छोटा सा 10 साल का बच्चा और 50 साल का एक बुजुर्ग हो गया उसको नमस्कार ही करता है, मतलब उसको बहुत बड़ा महान व्यक्ति महापुरुष समझता है। कि तो हमें एक दूसरे को इसी तरह से, ये तो रटन वाली बात नहीं, बाबा जी क्यों कहते रहते थे। अक्सर जब भी देखा मैंने जितनी भी संगतें की, ये तो मैं सच बता रहा हूँ अपने, क्योंकि मुझे याद आया जो कई अक्सर अब वीडियो शूट करता यूट्यूब पर डालता, तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे ही चाहिए कि अपनी तरफ से बनावटी बातें तो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आज रास्ते में छोटी सी बात आ गई, अब जैसे आज रास्ते में आते हुए बहन जी एक दिख गई और उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया तुमसे बहस हो गई, तो बात आपके सामने शेयर कर दी, बाकी मैं किताब में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ, कुछ याद करता रहता। तो ये इस दृष्टांत पे गया कि हाँ जितनी बार मैंने बाबा जी की संगत करी, जहाँ भी अक्सर मेरे ख्याल से 8-10 बार ही बाबा जी के संगत में पहुँचने का मौका मिला है, समागम में भी गया हूँ और प्रेरणा दिवस में मानव एकता दिवस जो भी रहा है, कई बार वैसे संगतें रही हैं तो जाने मौका मिला। ये शब्द बाबा जी ने अक्सर दोहराया। अब आप लोग सोच रहे हो इतनी देर से मैं बकबक किए जा रहा हूँ, मैं कौन सा शब्द है वो बताया नहीं, ऐसा क्यों बोला, बता तो रहा हूँ ऐसा क्यों बता, बस दो लाइन एक लाइन है बस खत्म, वीडियो खत्म, मगर उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि ऐसा हमें क्यों बार हो, क्यों हम वैसा अभी कर नहीं पाए, ना हम सेवा वैसी कर पा रहे, ना सत्संग और ना वैसा सुमरण कर पा रहे, और जैसा संत महात्मा को बाबा जी ने हमें बताया है कि जिस तरह से आदर सम्मान हमें करना चाहिए वैसा हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जब भी मौका मिला करने का सत्संग बाबा जी की हुजूरी में, अक्सर यही शब्द मुझे सुनने को मिला, तब तो ध्यान नहीं दिया, अब जब ध्यान आया तो समझ आई कि हाँ वो बाबा जी क्यों कह रहे थे। अगर आज भी बाबा जी हमारे समक्ष होते तो आज भी उस शब्द को बार बार कहते, क्यों कहते, क्योंकि अभी हम वही हैं चिकने घड़े, हम सत्संग में कुछ और हैं, अपने घर में फैमिली मेंबर के साथ में कुछ और हैं, पड़ोसियों के साथ हम कुछ और हैं, सड़क में चलते हुए गाड़ी वाहन से हम जा रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो उनके लिए व्यवहार कुछ और है, और संत महात्माओं के जो रास्ते मिल जाते उनके लिए व्यवहार कुछ और है, और अगर कुछ समय मिल गया हमें थोड़ा सा सत्संग में खड़े होने के अपने भाव प्रकट करने के लिए, वहाँ हमारा भाव कुछ और रहता है। तो बताते हैं कि बाबा जी अक्सर कहते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। सारी बातें मैंने बता दी, यही कहना बाकी था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है, कि वृद्धावस्था का कोई भरोसा नहीं, कि वृद्धावस्था आएगी भी या नहीं आएगी, जवानी में चले जाते लोग,
पैदा होते ही चले जाते हैं, तो वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, जब से हमें समझ आ गई है तभी से भक्ति शुरू कर दो। और कहते हैं बिना भक्ति तो कुछ है ही नहीं, भक्ति करोगे, भक्ति तो सभी वैसे कर रहे हैं, और हम इतनी खुशकिस्मत हैं जो हमें निरंकार मिला, पूर्ण सदगुरु मिला, सात संगत मिली, संगतमा का प्यार मिला, जहाँ भी संत महात्मा मिल जाते हैं तो वह गदगद हो जाता मन। तो आज का बस यही वीडियो था, थोड़ी सी यही आपके सामने दृष्टांत रखना था। आप जी को कैसा लगा बाबा जी का वचन तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के प्यार भरा नतमस्तक धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सबका युवा सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दो लाइनें हैं सुनाना चाहूंगा, अब देखता हूं कौन सुनता है, यहां तक पहुंचता है। तेरे दरबार में आके, तेरे दरबार में आके मैं खुद को भूल जाता हूँ, तेरे दरबार में आके मैं खुद को भूल जाता हूँ, गर ना भुलाया मैं को तो तू मुझे भूल जाता है। तो ये ख्याल आया, अच्छा मन करता गुनगुनाने का, मेरी आवाज कैसी है ये शब्द सुना है तो बताना, तो भजन भी अपने गा के बताऊंगा, साज सज्जा तो नहीं है, सिंपल तरीके से गाऊंगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं।